सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लकी व्लॉग्स में। तो मेरी जो केदारनाथ यात्रा थी वो संपूर्ण हो गई थी, तो मैं उधर से आ गया था और ट्रेन में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में इसलिए। और आज ये मेरे घर से ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और आज हम जा रहे हैं मैगी बनाना हाथी पावा। 5-6 लोग जा रहे हैं मस्त फ्रेंड्स, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और मौसम भी बहुत ही प्यारा हो रहा, तो एक से एक चीज़ें देखने मिलेगी आपको हाथी पावा की। और चलो मिलते हैं आगे, कंटिन्यू करते। यहाँ पर भी लैंड स्लाइड हो गई भाई, क्या ये जगह है भाई, हमारा हाथी पावा भी किसी हेवन से कम नहीं। तो गाइस हमने इधर गाड़ी क्या कट रही पानी इतना गिरा कि अब हमारी गाड़ी गिरने लग गई, गाड़ी धस गई। इधर रख दो इधर पत्थर में। और मस्त आप देख सकते हो बादल एकदम ब्लैक हो गए और इधर हम चम्मच भी लेके आ गए मैगी बनाने के लिए, तो भयंकर ही ज्यादा मजा आएगा अभी हमको मैगी का। एकदम मस्त लोकेशन देखते और फिर उधर जाके हम मैगी बनाते। और बादल तो इतना ब्लैक हो गया कि क्या ही बताएं, थोड़ी सी देर में बस पानी आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है। और आपको बताता हूँ इधर जंगल देख लो आप हाथी पावा का, और यहाँ पर एक नया घर भी बन गया। तो गाइस अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे हाथी पावा के नीचे, क्योंकि उधर है हमारा कोई सा घर, तो वहां से पानी लेंगे और फिर शायद देखते ऊपर आएंगे या तो फिर। ये भी किसी केदारनाथ ट्रेक से कम नहीं है भाई, यहाँ पर भी एक पांव फिसला के सीधे खाई में चले जाएंगे ऊपर। पर कोई ना, मस्त जगह है, धीरे धीरे जा रहे हैं हम। और अभी तो बारिश स्टार्ट हुई है तो मोर भी चिल्लाने लग गए। अब तो ये लोग भी, और भाई हमें तो फुल एक्सपीरियंस है गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन तो ऐसे ही आराम से ही चल लेते हैं। घर पे तो गाइस घर के इधर इसी बागड़ बनाई हुई, हमारे लैंग्वेज में बागड़ बोलते हैं, आपको क्या पता आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे।
तो इधर हैंडपम्प भी है तो इधर जाते हैं। और ये बागड़ इसलिए बनाए हैं सबसे मेन क्योंकि इधर बाघ का आना आना जाना लगा रहता है इसलिए। तो अभी हम तो इधर पानी लेते हैं एकदम हैंडपम्प पर और फिर वापस जाते ऊपर। तो गाइस हमने इतना पानी भरा था तो इधर भी हमको अंकल ने बोल दिया कि वो क्या बोलते गुंडी लेकर चले जाओ। हम इधर से गुंडी लेकर जा रहे हैं, पानी ज़्यादा हो गया है और ये देख सकता हूँ इसी जगह पर आए हुए अभी। तो यहाँ से अभी और फिर वापस हमें इनको देने आना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर है पर आ जाएंगे देने। तो चलते अभी। हो कहीं नहीं, सब हो गया। आ रहे दे देंगे ना अभी आके। चलो गाइस देखा पूरा इंडिया घूम लो, लोग तो सारे अच्छे ही मिलेंगे, बस उस 100 में से 1% लोग रहते हैं जो मुश्किल से गंदे मिलते हैं, तो सारे लोग अच्छे ही है। बहुत दिन के बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो एक हाथ भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है। आज तो 30 किलो का बैग भी नहीं अपने पास ठीक कोई दिक्कत हो पर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो गाइस इधर हम सब मस्त बैठ गए और ये रही हमारी मैगी, इधर मस्त हमारा चूल्हा जल गया है एकदम मस्त। और अभी हम मैगी बनाते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ये कुछ काम वाम है नहीं इनको, बस आ जाते हैं हमारे पास खाने के लिए, मेहनत भी नहीं करते। पत्थर भी मैं लेके आया, पानी भी मैं लेके आया हूँ, आप देख सकते हो मैं कितना मेहनती लड़का हूँ। और ये मसाला आ गया है हमारा गाइस, एकदम फूड ब्लॉगिंग हो रही है हमारी। और देख सकते हो आपका की ब्लॉगर हाथी पाव की मैगी खाने के लिए बहुत ही बेताब हो रहा है। तो इधर मैगी ले लेता हूँ ज्यादा ज्यादा, ये खाई नहीं भाई, चार जने और बाकी है। ले भाई ये देख सकते हो गाइस हाथी पाव पर मैगी। सो गाइस ये रही अपनी पत्ते में मैगी मस्त। मस्त मजा आ रहा है, अब खाने के बाद मिलता हूँ। इधर मैगी खा लिए गाइस मस्त, कैसी लगी भाई? बहुत अच्छी, जिंदगी में ऐसी मैगी ही नहीं खाई मैंने तो। दीदी दौड़ता तेरी। अरे दे 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 शर्मा रहा है भाई साहब, ये तपेली दोनों शर्मा रहा है। और वो तीन चले गए क्योंकि वो मोटे लोग हैं तो उनसे चढ़ नहीं पाते वो बेचारे, तो अभी से उनने ट्रेकिंग चालू कर दी है। और अब मैंने खाना खा लिया तो इसको अब हम रखते हैं साइड में अच्छी जगह और चलते हैं वो देने और फिर मिलता हूँ मैं आपको उसी जगह पर।
दादा बोल रहे कि उनकी लड़की को बोल रहे थे कि तपेली मांझ के दे दो तो। अरे हिला रे हिला, अरे कहीं नहीं कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कानूगर तपेली मांझ धन्यवाद दादा, धन्यवाद। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। अब सबसे मुश्किल का रास्ता, अभी तक तो बहुत ज़्यादा मज़ा ले लिया, तो अब मज़े की सजा भी तो पानी पड़ती है ना। तो बस चलो अब आपको हाथी पावा ट्रैक पे मिलते हैं। बहुत ही मुश्किल भरे रास्ते से गुजरते हुए हम चलते घर, काफी ज्यादा थक गए। सो गाइस अब हम आगे बाहर और मैं उधर जा रहा हूँ पार्क की साइड, हाथी पाव पर पार्क भी। तो अगर आपके यहाँ पर कोई छोटे बच्चे हो तो उन्हें जरूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पर जो पार्क है वो काफी सुंदर पार्क है, तो बच्चों को यहाँ पर बहुत ही मजा आता है झूला झूलने में। एकदम बहुत ही प्यारी जगह है और देख सकते हैं आप लोग कैसे आ रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। तो चलो, तो ये ब्लॉग मैं अब यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करना ना भूलें।